इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान इसके पायरेट्स के माध्यम से हो रहा है। तो और मैं तो खुद भी कला के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कुछ सेवा हम वापस उनको दे रहे हैं, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। राज्यसभा से पास हुआ सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, अब फिल्मों को लेकर होंगे बड़े बदलाव। फिल्म इंडस्ट्री में पायरेसी पर लगेगी रोक। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित। मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी। कई दिग्गजों ने भी विधेयक को लेकर कह दी बड़ी बात। और मैं तो खुद भी कला के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कुछ सेवा हम वापस उनको दे रहे हैं। कि आर्टिस्टों के बारे में, कलाकारों के बारे में भी भावना है, हमारे देश को जो नुकसान पहुँचता है ये बिल से, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को, जो हमारी सेवा वहाँ पर आर्टिस्टों की करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है, लाइटमैन है, और जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इतने लोगों को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, पिछले बार जब हम पिछले सालों में देखते हैं, 10 साल तक जो राइट्स उन्हें दी जाती थी, हर 10 साल में उन्हें जाके उसका रिन्यूवेशन कराना पड़ता था, वहां पर करप्शन होता था, अपने अपने हिसाब से सब चीजें काम होती थी। सर, पायरेटेड करके आज 22,000 करोड़ का नुकसान, इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान इसके पायरेट्स के माध्यम से हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आर्टिस्टों के बारे में, कलाकारों के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में और टेक्नीशियनों के बारे में बहुत धन्यवाद। उनकी भावना है, हमारे देश को जो नुकसान पहुंचता है ये बिल से, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को और हमारे इंडस्ट्री को। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिल्म इंडस्ट्री की मदद के लिए, फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ है। यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करने वाला विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ है। अब इस बिल के जरिए फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा और फिल्म की उत्पादन लागत का 5% जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव रखा है। अब न सिर्फ सिनेमा का उद्धार होगा बल्कि सिनेमा बनाने वालों का भी उद्धार होगा। हमारे देश में कलाकारों की बड़ी इज्जत है सभापति जी, बहुत प्यार मिलता है उनको, और मैं तो खुद भी कला के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कुछ सेवा हम वापस उनको दे रहे हैं। आज जब यहाँ मंत्री जी ये बिल लेकर के आए हैं, तो इस देश के सिनेमा की, कलाकारों की, प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पायरेसी है। लोग फिल्म बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक झटके में कोई आता है, उनका वीडियो बनाता है, पायरेसी करता है और उनकी सारी कमाई जीरो हो जाती है। 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है हमारे देश में ऐसे सिनेमा बनाने वालों को। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस बिल में है जिससे पायरेसी को रोक पाएंगे। इन्होंने जो UA-7, UA-13, UA-16+, इसके लिए भी मैं समझता हूँ सरकार का भूरी भूरी प्रशंसा होना चाहिए, तारीफ होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनका बहुत तारीफ करता हूँ। एक सबसे बड़ी चिंता की बात है सभापति जी के, आजकल फिल्मों के बाद OTT बनने लगी है। OTT अच्छा काम भी कर रहा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हर सीन में सिगरेट पीना, धुएं उड़ाना, टोबैको खाना, ये जैसे फैशन हो गया है। और मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ, आप जानिए, न कलाकार ऐसा चाहता है, न प्रोड्यूसर ऐसा चाहता है और न तो डायरेक्टर ऐसा चाहता है, फिर ये चाहता कौन है? अगर आज कोई ऐसी शक्तियां जो हमारे देश के 13.5 लाख लोगों को हर साल जो मौत होती है उनकी चिंता नहीं करती है, तो ये सरकार ने जो चिंता किया है उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पायरेसी भारत के अलावा दुनिया भर में कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें तो सबने ना कहा। क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है, क्या ना करते हैं? बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। आज ये समय आया था कि इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पर भी राजनीति की। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड।